हेलो फ्रेंड, मैं शिवानी मिश्रा, स्वागत है आप सभी का डिज़ाइनपुर में। आज बैक ब्लाउज डिज़ाइन बताऊंगी, तो देख लीजिए मैंने ब्लाउज की जो लंबाई रखी है इसकी ये 13.5 इंच है और इसकी चौड़ाई मैंने जो रखी है वो 11 इंच है। इसकी शोल्डर की चौड़ाई 6 रखी है, आर्म होल की भी 6 ही है। मैं थोड़ा बड़ा साइज़ बना रही हूँ, अगर आप चाहें तो 2.5 इंच भी रख सकते हैं, सॉरी 5.5 इंच और 5.5 इंच शोल्डर रख सकते हैं। 3 इंच का गला रख रही हूँ, आप 2.5 इंच का गला रख सकते हैं, जितना आपको डीपनिंग चाहिए उतना ले सकते हैं। नीचे के साइड भी 3 इंच का मार्क किए हैं। दोनों मार्किंग को बराबर करते एक लाइन ड्रॉ कर दी। गले की लंबाई मैं 10.5 रख रही हूँ, अपने अकॉर्डिंग गले की लेंथ ले सकते हैं। यहाँ से बराबर मार्क करेंगे और गले को जो है मटका शेप में मार्किंग कर लेंगे डिज़ाइन का। ये मार्क कर दिया, सेम कटिंग कर देंगे मार्किंग के ऊपर से। ये देखिए मैंने मार्किंग के ऊपर से ये पूरा गले कटिंग कर दी है अस्तर पे। इसी ब्लाउज़ का फैब्रिक लेंगे और इसकी भी कटिंग सेम ऐसे ही करेंगे जैसे अस्तर का किया है। तो बिल्कुल बराबर रखते हुए गले को कट कर दीजिएगा दोनों को। तो ये मैंने गले की कटिंग कर दी, अब दोनों को बिल्कुल बराबर रखेंगे और सिलाई लगाते हुए पूरा इस पर हम गले की स्टिचिंग कर लेंगे। अस्तर और कपड़े को मैं कैसे अटैच कर रही हूँ आपको वीडियो में क्लियर समझ में आ रहा होगा, इसी तरीके से पूरा अटैच कर देंगे। तो ये देख लीजिए गले को पूरा अटैच कर दिया है साथ में। अब इस पर छोटा छोटा कट लगाएंगे, तो क्लियर आप वीडियो में देख रहे हैं मैं कट कैसे लगा रही हूँ, इस तरीके से कट पूरा लगा लीजिएगा। अब इसको पलट कर सीधा कर देंगे, कट लगाने से जब इसको सीधा करेंगे तो ये शेप में बिल्कुल गला आएगा मटका शेप में। हाथों से प्रेस करने के बाद इसके ऊपर से एक सिलाई लगाते हुए इसकी पूरी फिनिशिंग दे दीजिएगा। तो मैंने देखी गले की पूरी फिनिशिंग अच्छे से दे दिया है। ब्लाउज की ऑलराउंड स्टिचिंग करेंगे, अस्तर कपड़े को बिल्कुल बराबर रखिएगा और इसके साइड से सिलाई लगाते हुए पूरा इसके हम स्टिचिंग कर देते हैं। तो मैंने देखिए अस्तर कपड़े को बिल्कुल साथ में अटैच कर दिया है। अब नीचे की साइड से इसमें मैं टक्स लगाऊंगी, तो माप ले लीजिएगा बराबर में मेज़रमेंट लेते हुए फिर टक्स को लगाइएगा। तो एक साइड से मैंने मेज़रमेंट ले लिया, यहाँ से टक्स को लगा लेते हैं और दूसरी साइड से भी मेज़रमेंट लेंगे बिल्कुल बराबर में ही और टक्स लगा देंगे फोल्ड करते हुए। इस तरीके से दोनों साइड से टक्स लगा लीजिएगा। लगाने के बाद नीचे का बॉर्डर मैं बनाऊंगी, तो बॉर्डर बनाने के लिए अस्तर का फैब्रिक कट कर रही हूँ मैं। ये फैब्रिक नीचे के साइड से ब्लाउज़ में के साथ में अटैच करेंगे पूरा। तो सिलाई लगाते हुए दोनों को साथ में स्टिच कर लीजिएगा पूरा। तो ये देख लीजिए मैंने दोनों फैब्रिक को साथ में पूरा स्टिच कर दिया। इसको फैलाएँगे, इसके ऊपर सिलाई लगाते हुए इसकी पूरी फिनिशिंग दे देंगे। तो ये पूरा पट्टी इसके साथ में अटैच हो चुका है। अब अटैच करने के बाद इसकी डबल फोल्ड कीजिएगा, इसको बराबर में ऐसे फोल्डिंग करते हुए पूरा नीचे का बॉर्डर बना लेंगे सिलाई लगाकर। तो ये मैंने सिलाई लगाते हुए नीचे का बॉर्डर आपको कम्प्लीटली बनाकर दिखा दिया है। अब इसके गले पे डिज़ाइन करेंगे, तो ब्लाउज को साइड रखेंगे और ये कुछ फैब्रिक स्क्वायर में कट किए, इनकी लंबाई चौड़ाई मैंने 3 इंच रखी है। इसको 4 पार्ट क्रॉसिंग में फोल्ड करना है। क्रॉसिंग में फोल्ड करते हैं फिर नीचे के साइड से इसके सिलाई लगाते हैं, इसको पूरा अटैच कर दे स्टिचिंग कर लेंगे पूरा। और इसी तरीके से मैं कुछ डिज़ाइन आपको इसका बना के दिखाती हूँ और सारे सेम ऐसे ही बना लीजिएगा। तो मैंने कुछ डिज़ाइन आपको बना के दिखा दी, इनको कटिंग करके अलग अलग रखेंगे और ऐसे और सारे बना लिए, इसको साइड रखते हैं। और मैंने देख लीजिए ब्लाउज़ ले लिया, अब डिज़ाइन लेंगे और ब्लाउज़ के गले पे इसको अटैच करेंगे। तो देख लीजिए वीडियो में आपको क्लियर समझ में आएगा मैं गले पे इस डिज़ाइन को कैसे अटैच कर रही हूँ। इसी तरीके से बराबर रखते हुए पूरे गले पे अटैच कर दीजिएगा।
तो मैंने देखिए पूरे गले पे इसको अटैच कर दिया है। अब इसकी डेकोरेशन करेंगे। डेकोरेट करने के लिए मैं लेस ले लेती हूँ, और ये लेस जहाँ से डिज़ाइन को स्टिच किया है पूरा गले पे, इसी जगह से लेस को भी पूरा अटैच कर दीजिएगा सिलाई लगाते हुए। तो लेस मैंने ये पूरे गले पे लगा दिया है। अब ये जो डिज़ाइन बनाई इसकी डेकोरेशन करेंगे। तो ये मोती, बड़ी वाली मोती यूज़ करनी है गोल्डन कलर की इस पर। तो जितनी डिज़ाइन बनी है सबके ऊपर मैं एक एक मोती लगाती हूँ, इसको डेकोरेट करूँगी। ऐसे सभी डिज़ाइन को लगा लीजिएगा मोती इस पर। तो मैंने ऐसे ही पूरे बिट्स देख के लगा दिए डिज़ाइन पे, इसको साइड रखेंगे। और ये देखिए एक फैब्रिक कट किया है जिसकी चौड़ाई मैंने 3.5 इंच रखी है। अभी इसको डबल फोल्ड पहले कीजिएगा और इसके साइड से सिलाई लगाते हो। इसको दोनों साइड से पहले अटैच कर देंगे एक साथ में ही। तो इसको मैंने देखिए पूरा सिलाई लगाते हुए अटैच कर दिया। इसको पलट कर सीधा आप करेंगे। तो सीधा करने के लिए किसी भी चीज़ से इसे प्रेस करते हो, पूरा सीधा कर लीजिएगा। ये मैंने देखिए इसको पूरा सीधा कर दिया है। हाथों से प्रेस कर दीजिएगा, फिर आयरन कर लीजिएगा, इसे डिज़ाइन बनाने में आसानी रहेगी। तो मैंने जो इसको पूरा हाथों से पहले प्रेस करने के बाद आयरन कर दिया है। अब इसका फ्रिल बनाऊंगी, तो फ्रिल वीडियो में देखिए मैं कैसे बना रही, फोल्ड करते हुए इसी तरीके से पूरा फ्रिल बना लीजिएगा। तो ये आपको समझ में आ रही होगी मैं कैसे इसका फ्रिल बनाई। तो कम्प्लीटली ऐसे ही बनाना है। तो ये पूरा बन चुका है। इसको जो है साइड रखेंगे ये फ्रिल वाली डिज़ाइन को, और ब्लाउज़ ले लेते हैं। और ब्लाउज के साथ में इसको अटैच करना है। तो मैंने ब्लाउज़ ले लिया, जो डिज़ाइन ये अटैच की इसके जस्ट बगल से ही। बीच में गैपिंग नहीं रखनी है, हल्का फुल्का गैपिंग दे सकते हैं, ज़्यादा गैपिंग मत दीजिएगा। और इसको बराबर रखते हुए पूरा अटैच कर लीजिएगा इसके साथ में ही। ये मैंने फ्रिल वाली डिज़ाइन इसके साथ में अटैच कर दिया है। अब इसके ऊपर से भी लेस लगाएंगे, तो थोड़ी चौड़ी वाली लेस लगाइएगा, इससे डिज़ाइन जो है अच्छी दिखेगी। तो मैंने ये देख लीजिए पूरा लेस इसके ऊपर लगाते हुए इसको डेकोरेट करके आपको दिखा दिया है। तो ये देख लीजिए मेरी ये ब्लाउज डिज़ाइन बिल्कुल कंप्लीट है। बहुत ही इजी था, पर ना दिखने में बहुत ज़्यादा हैवी डिज़ाइन लग रहा है, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल भी है। अगर आपको ये डिज़ाइन मेरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करें ना भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मैं लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए मिलते हैं नए वीडियो में नए डिज़ाइन साथ, जैसे ब्यूटीफुल सिंपल हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।